आजाक संगठन के द्वारा कॉफी हाउस में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने बताया कि आने वाली 26 तारीख को संविधान दिवस मनाया जाएगा। आजाक ने कहा कि हमारे अधिकारों पर सरकारें अतिक्रमण कर रही हैं। पेंशन योजना बंद कर दी गई, जबकि पेंशन योजना सामाजिक न्याय के लिए निर्धारित थी। सरकार हमें सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रही है। इतना ही नहीं, आरक्षण के हिसाब से पदोन्नति भी न मिलने के चलते अनुसूचित जनजाति मुख्य धारा से वंचित है। सुनाते पदाधिकारियों ने आयोजित होने वाले संविधान दिवस के संबंध में क्या कहा है। आज अजाक्स के बैनर तले हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मना रहे हैं। ये आपके रीवा में आशियाना मैरिज गार्डन में, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया है कि हम कुछ बातें सरकार और प्रशासन आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं जो संविधान से संबंधित हैं, और वो आम जनता शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों से धीरे धीरे छूट रही, मतलब अतिक्रमण हो रहा है उन अधिकारों का जो हमें संविधान में प्राप्त हुए थे। जैसे आप लोगों को विदित होगा कि पेंशन योजना ख़त्म कर दी गई है। 2005 से पेंशन बंद है अधिकारियों कर्मचारियों की, केवल अधिकारियों कर्मचारियों की, बाकी पेंशनें यथावत हैं। तो ये जो पेंशन है इसको जोड़ के देखा जा रहा है कि ये पेट पालने का मुद्दा है, कि ये भरण पोषण का है, जबकि संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, स्पष्ट लिखा हुआ है। तो सामाजिक न्याय की पूर्ति के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई है कि सामाजिक रूप से अक्षम, मतलब महिला, बच्चे, दिव्यांग, बूढ़े, ये वर्ग जो असक्त हो जाते हैं तो उनको सशक्त बनाने के लिए ये योजनाएं चालू की जाती हैं। इसलिए इसे हम सामाजिक समता का वो बनाते हैं। तो ये जो पेंशन का मुद्दा है तो ये सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड है। आज हम लोग उसको खो चुके हैं और सरकार दे नहीं रही है। तो ये कर्मचारियों के लिए हम जीवन भर सरकार की सेवा करते हैं दिन भर, और इसके बाद हम अपने भविष्य के लिए क्या है, 60 साल के बाद हम मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, तो उस समय हमारा क्या सहारा है। हम 60 साल सरकार की सेवा करते हैं और फिर उसके बाद फिर पेंशन बहुत बड़ा सहारा है। अगर पेंशन है तो हमारा सामाजिक सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा और समाज में हमें सम्मान मिलता है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये लागू किया जाए। और पदोन्नति में आरक्षण भी सरकार ने बंद कर दिया है, अब नहीं मिल रहा है। पिछले कई सालों से तो बहुत सारे लोग रिटायर हो गए, कुछ रिटायर की कगार पे हैं। तो ये पदोन्नति में आरक्षण भी जो बंद की गई है, तो ये संविधान में लिखा हुआ है मौलिक अधिकार में कि ST SC को हर सेवा में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अब बराबर का प्रतिनिधित्व क्यों दिया जाएगा, क्योंकि जिस ताकि सामाजिक रूप से इनको वो स्थान मिल सके, जैसे समाज की मुख्य धारा में आ सके, जैसे अन्य वर्गों को जो स्थान मिला है सामाजिक रूप से इनको भी मिले। उसमें ST SC को पदोन्नति में आरक्षण इसीलिए दिया गया, तो वो बंद कर दिया गया। और आप देख ही रहे हैं कि कहीं इस न्यायालय में जा रहा, वहाँ जा रहा है, लेकिन आज तक लाभ नहीं मिल पाया। और धीरे धीरे और संविधान पीठ में अभी वो लंबित है, चल रहा माननीय न्यायालय के अधीन। 26 नवंबर को आशियाना मैरिज गार्डन, गुलाब नगर, रीवा। संभागी हमारे आदरणीय संभागीय अध्यक्ष जी हैं श्री ML वाडेकर जी, वो है मुख्य अतिथि, और अध्यक्षता हमारे जिला अध्यक्ष जी कर रहे हैं अजाक श्रीवा, डॉक्टर गणेश प्रसाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेश रावत है। और मुद्दे हैं हमारे, 8 बिंदु हैं, और एक ये मुद्दा है आउटसोर्स प्रथा बंद की जाए। आजकल देखे होंगे आप हर जगह आउटसोर्स और प्राइवेटाइजेशन है, तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आउटसोर्स जहाँ अति आवश्यक हो, जहाँ लगे कि हाँ आप कोई रास्ता नहीं है, वहाँ आउटसोर्स किया जाए, लेकिन वहाँ पर भी आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए। कारण क्योंकि जो आउटसोर्स का पैसा होता है सरकार ही तो देती है, और जब सरकार का पैसा जा रहा है तो फिर सामाजिक समता भी आनी चाहिए। तो आरक्षण रोस्टर का पालन भी इन आउटसोर्स की भर्तियों में किया जाए। और ये जो हाँ दोनों जगह गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये चालू हो गया है, प्राइवेट सेक्टर में तो ठीक है। और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं,
जो सबसे रिस्की काम कर रहे हैं आज की डेट में, उन सफाई कर्मचारियों को भी आउटसोर्स में उनकी दशा और दिशा बिल्कुल ख़राब है। सामाजिक रूप से शोषण ही हो रहा है उनका, तो उनको नियमित नियुक्ति प्रदान की जाए सरकार द्वारा, ताकि वो आने वाले समय में समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। महिलाएँ भी उसमें आती हैं, आप देखे होंगे अस्पतालों में गटर साफ़ कर रही, लेटरिन साफ़ कर रही, अपने बच्चों को ले कर आती हैं, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाती हैं। ये सारी मैं आप लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि इनके इनकी जो परिस्थितियाँ हैं, समय है काम करने का, इनको अच्छा वातावरण मिले, ताकि उनके काम करने से ही हम आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है।